नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर में बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। बिहार में राजगीर पर्यटन के लिए अपना एक अलग ही महत्व रखता है। राजगीर में देश के साथ ही विदेश के भी पर्यटक आते हैं। इधर राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट एकेडमी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट एकेडमी के निर्माण कार्य आधारभूत संरचना में कुल 40 पाइल का संयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजगीर महोत्सव 2018 के उद्घाटन के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इस स्टेडियम और एकेडमी को 90 एकड़ में बनाने की बात कही गई थी, जिसमें 740 करोड़ की राशि खर्च होने की बात कही गई थी। इस दौरान बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रावधान तथा राय से राजगीर में इस स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद फौरन इस स्टेडियम को परखने के लिए बीसीसीआई द्वारा यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने को भी योजना है। उन्होंने कहा था कि अब जरा कल्पना कीजिए कि आयुध निर्माण नालंदा की स्थापना के पश्चात बिहार पुलिस अकादमी सह प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस शिविर सह भर्ती केंद्र, घोड़ा कटोरा पहाड़ी झील में भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा की स्थापना के बाद जब नालंदा विश्वविद्यालय जू जफारी पार्क सह ग्रीन सफारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सह स्पोर्ट एकेडमी एवं फोरलेन सड़क निर्माण सहित अन्य योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब राजगीर का स्वरूप क्या होगा। मगध साम्राज्य की राजधानी रहे राजगीर में 90 एकड़ में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम पर कुल 740 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां पर क्रिकेट समेत 40 इंडोर और आउटडोर खेल की व्यवस्था होगी। इस क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। यह इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर के ठेरा और हिंदूपुर गाँव के पास 90 एकड़ में 740.82 करोड़ की लागत से बन रहा है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो राजगीर भी एक खेल परिसर के रूप में जाना जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एक फुटबॉल स्टेडियम और 24 अलग अलग इंडोर और आउटडोर खेल की सुविधा होगी। इंटरनेशनल स्टेडियम को लेकर जारी डीपीआर के अनुसार अकादमिक हॉस्टल के साथ खेल परिसर में 696 करोड़ रुपए होंगे, जिसमें अकेले क्रिकेट स्टेडियम पर 258 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का जिम्मा सापोर्जी पोलोंजी एंड कंपनी को दिया गया है, जो 3 वर्ष तक इसका रख रखाव भी देखेगी। इसके लिए राजगीर प्रखंड के पिलखी पंचायत में अधिकृत की गई 90 एकड़ जमीन के कैंपस में रिसर्च सेंटर, फिटनेस सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, हॉस्टल आदि बनाए जाएंगे। इसी के पास फिल्म सिटी, आईटी सिटी, अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद केंद्र भी बनाए जाने हैं। इसके लिए भी बाउंड्री का काम तेजी से चल रहा है। सभी योजनाओं को मिलाकर 5 किलोमीटर क्षेत्र में चहारदीवारी बनाई जानी है। इन सभी योजनाओं के लिए ठेरा हिंदपुर व नेकपुर मौजा में 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। बिहार से जुड़ी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।